الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير قابل احترام علماء کرام واجب الاحترام بزرگو ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیو آپ سبھی کو میرا اسلامیہ تحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم اور آپ رمضان جیسے مبارک مہینے میں سانسیں لے رہی ہیں. یہ جو موقع ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور بار ملا ہے اس کا ہمیں شکر بجا لانا چاہیے. رمضان کا مہینہ روزوں کا بھی مہینہ ہے, قیام اللیل کا بھی مہینہ ہے, صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے, فتوحات کا بھی مہینہ ہے, توبہ استغفار کا بھی مہینہ ہے, صبر و استقامت کا بھی مہینہ ہے, ہمدردی غمگساری کا بھی مہینہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی جو بھی توصیف بیان ہوئی ہے ہم میں کے اکثر حضرات ان صفات کو ہمارے اندر لانے عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے. آمین. معزز سامعین, رمضان کے جو فیوض و برکات ہیں وہ بے شمار ہیں. دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں صرف ایک کتاب سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ ہے قرآن پاک. اور اسی قرآن پاک کو اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان جیسے مبارک مہینے میں نازل فرمایا. تو سوچیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے اور رمضان کا یہ وقت کتنا سنہرا وقت ہے. اور اس سے بڑھ کر ہمارے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کون سا وقت بہتر, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو رمضان کے 15 دن گزر چکے ہیں ان 15 دنوں میں جو بھی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, صدقہ خیرات کیے ہیں, والدین کی خدمت کیے ہیں, رشتہ داری نبھائے ہیں, بھائی چارگی کو بڑھائے ہیں, الفت و محبت کا پیغام دیے ہیں, ان سارے چیزوں کے تعلق سے ریویو کریں, اس کا محاسبہ کریں
कि कहीं कोई कमी तो बाकी नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम इन सारे उमूर में खड़े हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो या बागी अल खैर अकबिल, फरिश्ते की इस पुकार पर लब्बाई कहते हुए अब तक जो नए काम हम किए हैं आगे भी करते रहे। और अगर कोई खामी, कोई कमी अगर नजर आती है, या बागी शर अकसिर, बुराई के चाहने वाले रुक जा, इस पुकार पर लब्बाई कहते हुए अभी 15 दिन बाकी हैं, हमें रुक जाना चाहिए। माज़द सामईन, जो अपने गुनाह से एक मर्तबा तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह नहीं होता, अल्लाह सुबहाना हो ताला उसको माफ फरमा देते हैं। और एक कामयाब इंसान भी वही है जो हमेशा अपना मुहासबा करता है। किसी ताजिर को आप ले लें, वो कामयाब कब होगा? जब वो अपना मुहासबा करे कि मेरी जो तिजारत है, अब तक की जो तिजारत है, कितनी नफे में है, कितने नुकसान में है, किस मैदान में मुझे पैसा ज्यादा लगाना चाहिए, किस मैदान में मुझे पैसा कम लगाना चाहिए। अगर आदमी इसका तज्जिया कर लेता है, मुहासबा कर लेता है और अपनी तिजारत को हमेशा वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है तो वो कामयाब ताजिर कहलाता है। तो फिर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और अल्लाह सुबहाना होताला हमें ऐसी तिजारत की तरफ दावत दे रहे हैं, तिजारत लन थबूर, कि इस तिजारत में कोई घाटे का खदशा नहीं है, कोई नुकसान का खौफ नहीं है। तो फिर इस तिजारत के ताल्लुक से हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। माज़द सामईन, अल्लाह सुबहाना ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى। रमजान इस मुबारक महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं होता, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। जन्नत में ले जाने वाले आमाल का करना रमजान के महीने में आसान हो जाता है। इस महीने में अगर हमने अपने नफ्स पर काबू पा लिया, अपने नफ्स को काबू में कर लिया, अपने नफ्स को अल्लाह का मुतीव फरमा बरदार बना लिया, कामयाब हो गए, और हमेशा हम इस फिक्र में घुलते रहे कि कल मुझे अल्लाह सुबहाना होताला के दरबार में हाजिर होना है, कल मेरे आमाल का हिसाब मुझे देना है, हमारे जिंदगी के एक एक पल का हिसाब अल्लाह सुबहाना हो ताला लेंगे। मामूली हिसाब जिससे लिया जाएगा वो तो नजात पा जाएगा, लेकिन जिससे हुज्जत करके हिसाब किया जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। माज़द सामईन, थोड़ी देर के लिए सोचें, अल्लाह सुबहाना हो ताला ने कितनी प्यारी जिंदगी हमें दी है, कितने प्यारा दिन हमें दिया है, कितनी प्यारी किताब हमें नसीब फरमाई और कितनी प्यारी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हयातन तय्यबा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम ईमान लाए, अमले सालेह कर रहे हैं, तो अल्लाह सुभान व तआला खुशगवार जिंदगी गुजारने का मौका हमें दिया है। तो हमारी इस जिंदगी को हिसाब लगा देते हैं तो 7 साल
आदमी में कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। अच्छे आमाल करने लग जाता है। चुनांचे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह मुहासबे नफ्स का अच्छा नुस्खा बताते हुए उन्होंने इरशाद फरमाया था कि मुहासबे नफ्स के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आदमी हर दिन सोने से पहले कुछ देर वक्त निकाले और दिन भर की जो उसकी मशगूलियात हैं, जो उसके काम हैं, उसका तज्जिया करे, अच्छे हैं तो अल्लाह सुबहाना व तआला का शुक्र बजा लाए, और अगर कुछ बुरे और खराब नजर आते हैं तो अल्लाह सुबहाना व तआला से इस्तिग़फ़ार तलब करे और तौबा करे कि आइंदा कल जब मैं आंख खोलूंगा तो इन गुनाहों को रिपीट नहीं करूंगा। अगर हर दिन हमारा ये सेवा बन गया, हमारी ये आदत बन गई, तो हमारे पास जो माइनस हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, इंशाअल्लाह धीरे 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 वो सारी की सारी बुरी सिफात हमसे बात के हामिल हम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो माज़ा सामईन, अल्लाह सुबहाना व ताला हमें इसी चीज की तरफ दावत देते हैं, या अय्युहल लदीना आमनु तक्कुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंदुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर एक फर्दन फर्दन अपना हिसाब करना चाहिए, अपना रिव्यू करना चाहिए कि दुनिया के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, घर भी हमने बना लिया है, जायदाद भी हमने बना लिया है, माल हर चीज फरावरी के साथ किसी के पास मौजूद है, किसी के पास कमोबेश मौजूद है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला हमें किसकी तरफ दावत देते हैं, वल तंदुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल के लिए तुमने क्या किया है, जब तुम्हारी सांसें तुमसे छीन जाएंगी, जब तुम्हारे अपने सबसे हबीब, अपने प्यारे और सबसे करीब वही तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतार देंगे और सारे के सारे अलविदा कहकर आ जाएंगे, अकेला सफर होगा और अकेले हम होंगे, और यह सफर ऐसा होगा कि हमारे साथ कोई और हो ये मुमकिन ही नहीं,
हमारे साथ किसी और का अमल हो ये मुमकिन ही नहीं। चुनांचे हमें चाहिए कि हमें अपनी सांस रुकने से पहले अपने सांसों का हिसाब लें। चुनांचे उमर रजी अल्लाह तआला हमेशा फरमाते थे, हासिबु अनफुसकुम कबल अन तुहासबु, कबल इससे कि तुमसे तुम्हारा रब तुम्हारे आमाल का हिसाब ले, तुम अपना हिसाब खुद सही कर लो। कल तुम्हारे आमाल तोले जाने से पहले इसी दुनिया में अपने आमाल को तुम खुद तोल लो और रब के हुजूर हाजिर होने के लिए तैयारी कर लो। चुनांचे माज़ा समईन अल कय्यसु मन दान नफ्सहु अमल लिमा बाद अल मौत, अकलमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए और ज़खीरे आखिरत का इहतमाम कर ले, और बेवकूफ आदमी वो है जिंदगी में ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा लेकिन सारी की सारी उम्मीदें अल्लाह से लगाया रहा, कोई अमल उसने नहीं किया। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। अब कुछ नुकात की तरफ आप लोगों की तवज्जो मैं मबजूल करना चाहता हूं कि मुहासबे नफ्स में सबसे पहली जो चीज होनी चाहिए अकीदे की दुरुस्तगी। हमारे अकीदे का मुहासबा हमें करना जरूरी है। आज जब भी अकीदे की बात आती है हंसी मजाक में बहुत से लोग उसको जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं कि भाई जब देखो अकीदा अकीदा। माज़ा सामईन सही अकीदा ही सही इबादत की तरफ रहनुमाई कर सकता है, सही अकीदा ही सही खिदमत की तरफ रहनुमाई कर सकता है, सही अकीदा ही कल क़यामत के दिन हमें नजात दिला सकता है। अगर हमारा अकीदा सही रहा तो हमारा सारा अमल जो हम नेक अमल किए होंगे कबूल होगा, वरना लयहबतन अमलुक, पहाड़ जैसे जो है आमाल भी हम करके जाएं अगर हमारा अकीदा सही नहीं है, हम अकीदे तौहीद पर कायम नहीं है, शिर्क में मुबतला हैं, बिदात में मुबतला हैं, खुराफात में मुबतला हैं, तो माज़ा सामईन हम खसारे में होंगे। तो सबसे पहले हमारे अकीदे की इस्लाह होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो चीज है वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। अरबी में एक मकौला है अल वक्त कसैफ, कि वक्त जो है तलवार जैसा है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो वक्त तुम्हें क्या करेगा, काट देगा। तो चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन वक्त के ताल्लुक से भी हमें अल्लाह सुबहानहु तआला पूछेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छी और बेहतरीन दो नेमतें हैं अस्सेहा वल फराग, अस्सेहा वल फराग, सेहत और फारिग वक्त। चुनाचे रमजान का जो ये वक्त है इसको इबादात में हम ज्यादा से ज्यादा गुजारने की कोशिश करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि मुजाहिदीन में सबसे अफजल कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा जो अल्लाह सुबहान तआला का जिक्र करते हैं वो है। फिर सवाल किया गया रोजे रखने वालों में सबसे अफजल कौन है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्तरहुम लिल्लाह ज़िक्रा, सबसे ज्यादा अल्लाह सुबहानहु तआला का जिक्र करने वाले। नमाज पढ़ने वालों में कौन अफजल है, सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले। सदका खैरात करने वालों में सबसे अफजल कौन है, अल्लाह सुबहानहु तआला का सबसे ज्यादा जिक्र करने वाले। हज करने वालों में कौन अफजल है, सबसे ज्यादा अल्लाह सुबहानहु तआला का जिक्र करने वाले। ये सारी हदीस सुनने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया था कि जिक्र अजकार करने वालों ने सारे खैरात को ओले कर लिया। उस वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अजल, आपने बिल्कुल सही कहा है। चुनांचे हमारे औकात को अल्लाह के जिक्र में गुजारने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि याद रखें रब्बुन्नास के जिक्र से दिल मुतमईन होता है, रब्बुन्नास के जिक्र से मसाइब टलते हैं, रब्बुन्नास के जिक्र से आग से नजात मिलती है, रब्बुन्नास के जिक्र से रब राजी होता है। अगर आप रब के जिक्र को छोड़ के नास यानी लोगों का जिक्र करेंगे तो आप बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे।
क्योंकि अल्लाह का जिक्र दवा है और लोगों का जिक्र जो है दा है यानी बीमारी है। चुनांचे हमें अपने फारिग औकात को गपशप में नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इसको कीमत ही जानते हुए हमें अल्लाह सुबहानहु तआला के जिक्र में गुजारना चाहिए। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, हमारा जो मुहासबे नफ्स हो वो ये कि फराइज की तरफ हम ध्यान दें कि फराइज को हम कैसे बजा ला रहे हैं, चाहे अकीदा हो सकता है या पांचों वक्त की नमाज हो सकती है, रमजान के रोजे हो सकते हैं, जक़ात हो सकती है या दीगर जो भी फराइज हैं, इस मामले में कितने हम खड़े हैं। और उसके बाद मुआज़्ज़ज़ सामईन इसकी तरफ हम तवज्जो दें, अल्लाह ने कुछ चीज़ों का हुक्म दिया है और कुछ चीज़ों से अल्लाह सुबहान तआला ने मना फरमाया है। जिन चीज़ों से अल्लाह सुबहान तआला ने मना फरमाया क्या हम वाकई रुक रहे हैं? क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजे से है, मन लम यदा कौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही, रोजे से रहकर भी जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोजे की जरूरत अल्लाह सुबहानहु तआला को नहीं है। चुनांचे हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि मुहर्रमात से कितना हम अपने आप को बचा रहे हैं। उसके बाद माज़ा सामईन, हमारे जो जिस्म के आज़ा हैं, चाहे हमारे हाथ हो सकते हैं, आंख हो सकते हैं, कान हो सकते हैं, जुबान हो सकते हैं, पैर हो सकता है, दिल हो सकता है, इनका मुहासबा हम करें कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, किस रास्ते पर हम चल रहे हैं। क्योंकि मुआज़्ज़ज़ सामईन रमजान का मुबारक महीना है, उसके बावजूद भी बजाए हमारे सर कुरानों में जो है पूरे तरीके से झुके रहे, मोबाइलों में झुके हुए हैं, हर हमेशा मोबाइल हमारा जो है साथी बना हुआ है, कुरान हमारा साथी नहीं बना है। मुआज़्ज़ज़ सामईन याद रखें, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद कब फिर जमीन पर उतरते हैं? लैलतुल कद्र में जमीन पर उतरते हैं, है कि नहीं? लैलतुल कद्र कौन सी रात है? वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, रमजान में लैलतुल कद्र है और कुरान रमजान में नाजिल हुआ है और हम रमजान में ही कुरान से जो है गाफिल हैं, तो फिर इससे क्या बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? चुनांचे इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, कुछ और चीजों की तरफ मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करते हुए अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। उसमें यह है कि अच्छे साथियों का जो है आप जो है अच्छे साथियों को इख्तियार करें, क्योंकि अच्छे साथी होंगे अच्छी जगहों पे आप लेकर जाएंगे, और जब भी आपकी बैठक होगी अच्छी गुफ्तगु होगी, और अगर बुरे साथी होंगे बुरे जगहों पर लेकर जाएंगे। चुनांचे अलमरु अला दीन खलील, यानी उसके दीन पर होता है। चुनांचे अच्छे साथियों का ये इख्तियार करना जो है ये बेहद जरूरी है, तो इसके ताल्लुक से भी हमें सोचना चाहिए। और इसी तरीके से मुआज़्ज़ज़ सामईन, हमेशा हमें चाहिए कि हमें अल्लाह सुबहानहु तआला की रजामंदी की खातिर कोशिश करते रहें, क्योंकि अल्लाह सुबहानहु तआला ने फरमाया वल्लदीना जाहदु फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जितना हम जितनी कोशिश करेंगे, जितनी दौड़ हम लगाएंगे और जितना अल्लाह सुबहानहु तआला राजी करने की हम कोशिश करेंगे, अल्लाह सुबहानहु तआला उतने ही रास्ते हमारे लिए खोलते जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की तंगी है, सारी तंगियां अल्लाह सुबहानहु तआला दूर फरमाएंगे। बस ये है कि हमारे नफ्सों का सही मुहासबा हमें करना आ जाना चाहिए। अल्लाह सुबहानहु तआला हम सबको अपने नफ्सों का मुहासबा सही तरीके से करने और अल्लाह सुबहानहु तआला की रज़ा में हमारी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अल्लाह सुबहानहु तआला हम सबको अता फरमाए। एक शायर की बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अपने में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, अपने में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बना तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अल्लाह सुबहानहु तआला जो भी बातें कही गई हैं उसमें भलाई को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, और जो भी बातें कही गई हैं अगर उसमें कुछ गलती और कुछ खामी रही है तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से है, जिससे मैं अल्लाह सुबहानहु तआला की पनाह में आता हूँ। अल्लाह सुबहानहु तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व तक़ब्बलल्लाहु तआला।